कंपोजिशन ऑफ मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का संगठन। आप देखो समझना, दूध का संगठन। कंपोजिशन यानी दूध के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, दूध के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सभी को कंपोजिशन ऑफ मिल्क बोला जाता है। सबसे पहले दूध के अंदर इम्पोर्टेंट करेक्टर जिसे फैट बोला जाता है, उसके बाद में बोला जाता है कार्बो हाइड्रेट्स, तीसरा बोला जाता है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, एक और पॉइंट मिनरल्स, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे दूध के इम्पोर्टेंट करेक्टर है। सबसे पहले मैं बात करूँ फैट के अंदर, सबसे पहले मैं मिनरल्स की बात करूँ, विटामिन्स की बात करूँ, देखो दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है, वो किस रूप में होती है, निलंबन के रूप में होती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो विलयन या सॉल्यूशन फॉर्म में, किस में होता है, विलयन रूप में या सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है। जिसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है पायस रूप में, किस में पाई जाती है, पायस के रूप में पाई जाती है। मिनरल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कोलाइडल फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ तो उसे विटामिन्स बोलते हैं। विटामिन्स पाए जाते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉल्यूशन यानी विलयन रूप के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको एग्ज़ाम के अंदर यह जनरली पूछा जाता है जो दूध के अंदर वसा पाई जाती है किसके रूप में पाई जाती है, निलंबन के रूप में। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, जो स्टार्च पाई जा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट या आप बोल सकते हो लैक्टोज, क्या बोल सकते हो लैक्टोज। ये जो किसके रूप में पाई जाएगी, हम बोलेंगे सर सॉल्यूशन या विलयन के रूप में पाई जाएगी। प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। दूध के अंदर प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है, पायस के रूप में पाई जाती है। मिनरल्स यानी खनिज लवण कौन से रूप में पाए जाते हैं, कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। विटामिन्स आप सबको पता है ABCDE के, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट आपको मैंने लिखा दिए हैं कौन कौन सा कंपोजिशन किस रूप में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एक एक कंपोजिशन के बारे में, डिटेल्स के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन की मैं बात करूं जिसे बोलते हैं वसा, क्या बोलते हैं, वसा, जिसे बोला जाता है वसा, यानी दूध में कितना फैट है इसी के अकॉर्डिंग इसको वसा बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं सबसे विभिन्नता वाला या परिवर्तनशील तत्व, यानी दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विभिन्नता रखने वाला या सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील
तत्व किसे बोला जाता है, तो हम बात करेंगे जो फैट है, जो वसा है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी बोला जाता है। देखो यार, वेरिएबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बार बार चेंज होता रहता है उसे वेरिएबल बोला जाता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विभिन्नता और परिवर्तनशील तत्व है उसे वसा बोला जाता है। वसा हमेशा निलंबन फॉर्म या सस्पेंशन, या सस्पेंशन फॉर्म इमल्शन, ये इमल्शन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। विलयन हम फैट वसा हमेशा निलंबन, सस्पेंशन या इमल्शन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तत्व किसे बोला जाता है, तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तत्व है उसे वसा बोलते हैं, उसे वसा बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ दूध के कंपोजिशन की, नेक्स्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो उसका नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग देखो, कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है, लैक्टोज, ये सबको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं लैक्टोज, दूध लैक्टोज, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है, यानी दुग्ध शर्करा, किसे बोला जाता है, दुग्ध शर्करा किसे बोलेंगे, लैक्टोज को बोलेंगे। लैक्टोज एक टाइप, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर कितनी एनर्जी देता है, तो सर 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 0.4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। और मैं फैट की बात करूं, तो फैट हमें 9 किलो कैलोरी हमें वसा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लिख लेना, लेस वेरिएबल या कम परिवर्तनशील, यानी दूध के अंदर सबसे कम परिवर्तनशील तत्व क्या है, तो हम बात करेंगे दूध के अंदर सबसे कम परिवर्तनशील तत्व है उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है और लैक्टोज बोला जाता है। कौन से फॉर्म के अंदर पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, इसका रूप आपको बताना है, तो हम बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म या हिंदी में बोलते हैं विलयन रूप, विलयन रूप के अंदर पाया जाता है। दूध के दो कंपोजिशन हमने देख लिए। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा कंपोजिशन, जिसे आप बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन। दूध के अंदर प्रोटीन से 2.2 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। कितनी होती है, 2.2 किलो कैलोरी दूध से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन है किसके रूप में पाया जाता है, पायस के रूप में पाया जाता है प्रोटीन दूध के अंदर। प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, इम्पोर्टेंट आप लगा लेना, प्रोटीन दूध के अंदर पायस फॉर्म के अंदर, यानी पायस रूप के अंदर पाया जाता है, नेक्स्ट मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मिनरल्स या खनिज लवण। देखो दूध के अंदर खनिज लवण 1% से कम पाए जाते हैं। उन खनिज लवण के अंदर
उन खनिज लवण के अंदर मैं बात करूं, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सारे के सारे तत्व यानी जो खनिज लवण है, सारे के सारे खनिज लवण है इसके अंदर, दूध के अंदर पाए जाते हैं, 1% से कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें खनिज लवण कौन से रूप के अंदर पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे कोलाइडल, क्या बात करेंगे, कोलाइडल रूप में खनिज लवण, कोलाइडल रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं, कोलाइडल रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर देखेंगे कौन से फॉर्म के अंदर, कोलाइडल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, 1% से कम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं पाँचवा टॉपिक जिसे बोलते हैं वाइटामिन्स, क्या बोलते हैं, वाइटामिन्स। विटामिन्स बोला जाता है जिसे विटामिन्स बोलते हैं, विटामिन्स दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाने वाला ए और बी है, यानी मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो हम बात करते हैं विटामिन ए और बी दूध के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ सबसे कम विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो हम बात करते हैं दूध के अंदर सबसे कम मात्रा में विटामिन पाया जाने वाला विटामिन सी है। इसके अंदर मिनरल्स के अंदर बताया था मैंने आपको, दूध के अंदर अधिकतर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल्स का यदि आपसे कोई नाम पूछ ले, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज लवण का नाम है, तो आप लिखोगे कैल्शियम जिसे Ca+2 बोलते हैं, बाद में लिखोगे आप फॉस्फोरस, क्या लिखोगे, फॉस्फोरस। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवणों का नाम सबसे पहले कैल्शियम, दूसरा हम बात करते हैं फॉस्फोरस, और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लवण की मैं बात करूँ, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण की बात करूँ सबसे ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण की यदि हम बात करें, तो उस खनिज लवण का नाम है सबसे कम दूध के अंदर पाए जाने वाला खनिज लवण का नाम है, आप लिखोगे आयरन, क्या लिखोगे, आयरन जिसे लोहा भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट के अंदर पाए जाने वाला का नाम है कैल्शियम और फास्फोरस, और सबसे कम के अंदर पाया जाने वाला आयरन है। दूध के जो पांच कंपोजिशन थे हम सब ने अभी पढ़े हैं, सबसे पहला था फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट दूध के कंपोजिशन है, इनके अंदर परसेंटेज, और सबसे बड़ी बात इनकी फॉर्म याद रखनी है, फैट के अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, सारी की सारी फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ये एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, और नेक्स्ट बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर दूध से संबंधित यानी दूध के बर्तनों को किस प्रकार से धोया जाता है, दूध के बर्तनों का किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है, किस प्रकार से दूध के बर्तनों को धोना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, देखो कोई ना बर्तनों की
धुलाई एवं साफ सफाई, बर्तनों की धुलाई एंड साफ सफाई, बर्तनों की धुलाई एंड साफ सफाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बर्तनों की तरीका होता है वो होता है सामान्य मेथड, यानी सामान्य मेथड यानी नॉर्मल विधि। नॉर्मल मेथड क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड के अंदर क्या होता है, दूध के बर्तनों में पानी डाल के हाथ घुमा के उसको साफ कर दिया जाता है या किसी कपड़े से साफ कर दिया जाता है, वो नॉर्मल सामान्य मेथड हो गया। इसके अंदर गर्म पानी और पानी से साफ कर दिया जाता है। सेकंड जो बात करते हैं, सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो उस मेथड को बोला जाता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक मेथड, जिसे बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका। देखो वैज्ञानिक तरीका, इसके अंदर क्या होता है, दूध को धोने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पानी से धोना। क्या बोलते हैं? पानी से धोना, यानी दूध के बर्तनों को नॉर्मल पानी से धोने के बाद में नॉर्मल पानी से धोया जाता है। सेकंड स्टेप आता है दूध के बर्तनों को गर्म पानी से धोना। किससे धोना? गर्म पानी से धोना। तीसरा स्टेप है कोई भी केमिकल चाहे वो क्षारीय हो या फिर अम्लीय हो, उन केमिकल से दूध के बर्तनों को धोना। चौथा होता है स्टरिलाइजेशन या क्लोरीन गैस से बर्तनों को धोना, यानी क्लोरीन गैस बर्तनों के अंदर डाली जाती है जिससे कि बर्तनों के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया या कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे मर जाए। नेक्स्ट हम सिंगल तरीकों की बात करी थी। सबसे पहले मैंने बताया था पानी से धोना, सेकंड गर्म पानी से धोना, थर्ड सारे या अम्लीय कोई भी केमिकल है उनसे धोना, चौथा स्टरिलाइजेशन है। देखो बर्तनों को धोते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, देखो ये दूध का बर्तन ये दोनों को पकड़ने के कड़े हैं। इसके अंदर मैं बात करूं, दूध के बर्तनों को खाली करने के बाद में इनके ऊपर बर्तनों के ऊपर छोटी छोटी वसा की बूंदें या छोटी छोटी दूध की बूंदें रह जाती है। इन बूंदों को फेट बोलते हैं यानी वसा बोलते हैं, यानी वसा की बूंदें रह जाती हैं। यदि हम हॉट वाटर यानी हम गर्म पानी इनके ऊपर डायरेक्ट डाल देते हैं तो ये वसा की बूंदें फट जाएगी, यानी फैट होता है उसके ऊपर गर्म पानी डालोगे तो ये बूंदें फट जाएगी, ये बूंदें एक्सपेंड हो जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद ये धातु के ऊपर चिपक जाएगी। इन सभी चीज़ों को मिल्क स्टोन बोला जाता है, दूध धातु बोला जाता है, मिल्क स्टोन बोला जाता है। यानी दूवसा की यानी फैट की जो बूंदे हैं यानी जो ड्रॉप्स हैं उनके ऊपर हम डायरेक्ट सडनली गर्म पानी डालेंगे, हीट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बूंदे फट जाएगी, उनकी हीट की वजह से फट जाएगी और वो बर्तनों के ऊपर चिपक के मिल्क स्टोन का निर्माण करेगी, जो कि खराब है, हार्मफुल या हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। इसीलिए वैज्ञानिक तरीकों के हिसाब से सबसे पहले बर्तनों के अंदर गर्म पानी नहीं डाला जाता है। सबसे पहले बर्तनों के अंदर
बर्तनों के अंदर ठंडे पानी से बर्तनों को धोया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दावन सामग्री है या वॉशिंग मटेरियल है, मटेरियल्स हैं, इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो एल्कलीन यानी सारिय, सेकंड बात करूं जिसे बोला जाता है अम्लीय, थर्ड की बात करें जिसे बोलते हैं जटिल यानी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एल्कलाइन मटेरियल के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन मटेरियल के अंदर होता है दावन सोडा। नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और ट्राइफास्फोरिक यानी टिपोल, टिपोल, ये सारे के सारे जो यौगिक हैं, इन सारे के सारे यौगिकों का 1-2% सॉल्यूशन यानी विलयन बनाकर बर्तनों को धोया जाता है, इसी को सारिया यानी एल्कलाइन वॉशिंग मटेरियल बोला जाता है। सभी सारे के सारे सारिया है, दावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टिपोल, इन सभी को हम 1-2% इन सभी का विलयन काम में लेते हैं बर्तनों को धोने के लिए। अम्लीय के अंदर मैं बात करूं जिसे बोलते हैं एसिडिक के अंदर बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड काम में लिए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अम्लीय एसिड बोला जाता है, इन्हीं को अम्लीय यानी एसिडिक यौगिक बोला जाता है। इन यौगिक का 1-2% विलयन काम में लिया जाता है बर्तनों की साफ सफाई के अंदर, इसीलिए इनको वॉशिंग मटेरियल बोला जाता है। एल्कलाइन वॉशिंग मटेरियल के अंदर आपको याद रखना है दावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टिपोल, अम्ली के अंदर याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, जटिल के अंदर जटिल कॉम्प्लेक्स का काम में लिया जाता है, जटिल फास्फोरिक कॉम्प्लेक्स का काम में लिया जाता है, फास्फोरस कॉम्प्लेक्स काम में लिया जाता है। जटिल कॉम्प्लेक्स हमेशा खारे पानी वाले या कठोर जल वाले इलाकों में काम में लिया जाता है। फास्फोरस के कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यौगिक होते हैं, इन यौगिकों का काम बर्तनों में धोने के लिए किया जाता है। मैंने धोने की आपको विधियाँ बता दी है, आपको धोने की विधियाँ बताई है, मिल्क प्रोसेसिंग बताया है और टाइप ऑफ मिल्क बताया है, ये सारे के सारे दूध के इम्पोर्टेंट कंपोजिशन हैं, हम सब ने पढ़ा है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे दूध से संबंधित, दही, घी, पनीर, खोया, ये सब कैसे बनते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है, क्रीम कैसे निकाली जाती है। अभी तक के लिए यहाँ पर सभी को ऑल ऑफ यू थैंक्स।